हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की। और हम कर रहे हैं फ्रेंड्स इस चैनल द्वारा एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए 2019 के अंदर जो होने वाला है। और फ्रेंड्स, आई एम एन एजुकेटर एट अन अकेडमी, जहाँ पे मेरे द्वारा बनाए गए डिफरेंट 12 कोर्सेज हैं, जो एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी की, एनसीईआरटीज़ पे साइंस की, केमिस्ट्री पे और इकोनॉमिक्स रमेश सिंह से डिफरेंट कोर्सेज बनाए गए हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड भी कोर्सेज बनाए गए हैं। आप वो कोर्सेज को भी देख सकते हैं अन अकेडमी प्रोफाइल पे। और इस लेसन के अंदर, जैसे हम आप मेरा पिछला लेसन देख सकते हैं, जिसमें हमने शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम पूरे इस सीरीज में स्टडी करने वाले हैं, कैसे हम वीक में 4 टेस्ट करेंगे और जिसके द्वारा हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर देंगे इन्हीं 3 महीनों में, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी और फेब के फर्स्ट वीक तक हम एवरीथिंग कंप्लीट कर देंगे। और आप इन वीडियोस को दोबारा देख के उनकी रिवीजन भी कर सकते हैं। हमें आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की या कोई बुकलेट करंट अफेयर्स की लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपके जनवरी टू दिसंबर तक 2018 के सारे करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होंगे विद इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ MP। तो इट्स ऑल अबाउट द MPPSC प्री विद इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ मेंस। कुछ एक स्टैटिक पोर्शन में आपके मेंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर राइटिंग मेंस में कैसी करनी है। बट मेन फोकस होगा ये आपका क्लियरिंग द MPPSC प्री ऑफ 2019। तो फ्रेंड्स, आप पिछला लेसन देख के शेड्यूल को स्टडी कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी बुक की ज़रूरत होगी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। आज जो हमारा सिलेबस है, जो टेस्ट पेपर 1 होने वाला है आपका मंडे को एट इवनिंग नियर अबाउट 8 to 9 के बीच में, आपको पूरा सिलेबस जो है ये कवर कर लेना है। और आपको इसके लिए कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ेंगी, तो आपको कवर अप करनी है फ्रेंड्स हिस्ट्री का, जो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री को लेके है। तो यहाँ पे आपको ये आपको हिस्ट्री का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री कवर अप करने वाले हैं। NCERT क्लास 6th की, जो NCERT क्लास 6th की आती है, वो आपको पूरी की पूरी कवर अप करनी है, जिनमें से व्हाट टू वेयर वन, और जिसमें से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताया गया, एंशियंट अर्लियस्ट सिटीज़ के बारे में, बुरियल्स के बारे में, ठीक है, अशोका के जो एम्पायर के बारे में, कुछ वाइटल विलेजेस, ट्रेडर्स, नए एम्पायर्स एंड किंगडम, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में 12 चैप्टर है फ्रेंड्स। वो दिखने में बड़े हैं बट सिर्फ वो 122 पेजेस के हैं, बहुत ही जल्दी कवर अप हो जाएंगे आपके। अराउंड 3 to, अगर आपने एक बार भी पहले पढ़ा है तो 2 to 3 घंटे लगेंगे आपको पूरा कवर अप करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको कंप्लीट करनी होगी NCERT ऑफ क्लास 12th पार्ट 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसके सिर्फ फ्रेंड्स 4 ही लेसन है, जिनके अंदर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, फिर अर्लियर स्टेट्स और इकोनॉमिक्स, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स के बारे में बताया है, फिर जो अर्लियर सोसाइटीज थी, कैसे सोसाइटीज बनी, किंगशिप, कास्ट, क्लास का कास्ट, कैसे कैसे डिवीजन था, वो सब कुछ, और थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, जिनके अंदर जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई, जो भक्ति मूवमेंट्स हुई, जो हमारे बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड जैनिज्म के बारे में बताया गया। तो ये दोनों बुक्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये पहले करने को बोली है। अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है तो ये 82 पेजेस का, ये जो NCERT 12th की पार्ट 1 है और ये 122 पेजेस की है, तो ये अराउंड 200 पेजेस बनते हैं। ये आपके कवर अप हो जाएंगे फ्रेंड 5 to 6 आवर्स के अंदर, अगर आपने पहले एक बार भी इन्हें पढ़ा है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ये कर लेंगे और ये कर लेंगे तो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा एंशियंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको हम बाद में आपको लूसेंट जो हिस्ट्री है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, उसको अप टू गुप्ता पीरियड तक, जैसे ये अलग अलग एडिशंस में आई थिंक कुछ अलग हो या ना हो, बट ये मेरी बुक के अंदर जो है ये 1 to 5 चैप्टर्स बनते हैं इसके अंदर, लूसेंट जो एंशियंट हिस्ट्री है, जिसमें जो ऋग्वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड वगैरह के बारे में बताया गया है, उसके बाद में आपके महाजनपद पीरियड के बारे में बताया गया है, फिर आपकी हरंग डायनेस्टी के बारे में बताया गया, और बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म रिलीजियस जो मूवमेंट हुई उनके बारे में बताया गया। तो ये यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है, जनपद, महाजनपद वगैरह की स्टडी के बारे में, और ये जो रिलीजियस मूवमेंट और मौर्यन पीरियड
एंड देन जो अशोकन पीरियड के बारे में जहाँ तक आपको करे उसकी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में और प्री गुप्ता पीरियड तक आपको कंप्लीट करना है, गुप्ता नहीं करना है। तो आपको ये प्री गुप्ता पीरियड तक 1 to 5 चैप्टर्स हैं ये इसके कंप्लीट कर लें, लुक्सेंट की एंशंट हिस्ट्री की। तो ये आपके कल इवनिंग तक आपको कंप्लीट करने हैं, फिर इसे 1-2 घंटे बैठ के रिवाइज करना है और रात को 8 से 9 या जैसे भी 9 to 10 आपको ये जो रात में जो ये आपको टेस्ट है, टेस्ट पेपर 1 है जो आपको मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे आपके इसी ही सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके रिवीजन का पार्ट प्ले करेंगे, जो आपकी रिवीजन करवा देंगे जितना भी आपने पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप गेट रेडी हो जाइए अपना ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू कीजिए, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है फ्रेंड। नवंबर हमारा 10-11 हो चुका है, नवंबर देन सिर्फ हमारे पास दिसंबर बचा है और जनवरी बचे, जिसमें हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है और फरवरी में उसे रिवाइज भी करना है। तो आपको बहुत जल्दी से मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने एनसीईआरटी 2 दे दी है, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें 1 एनसीईआरटी भी होगी, बट आपको ये जल्दी जल्दी कंप्लीट अप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड, कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहें जब भी लेसन अपलोड हो जाए। अपने कमेंट लिखिए, फीडबैक आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, और लाइक कीजिए ताकि आई अप्रिशिएट कि मुझे वर्क मेरा अप्रिशिएट आप कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।